टाइनी चिड़िया उसके पति रॉबिन के साथ जंगल में हंसी खुशी रहती है। एक दिन उसका पति काम से घर आ रहा था, तभी उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब टाइनी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है और उसके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। टाइनी को उसके पति की बहुत याद आती है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मेरे पास जीने के लिए पैसे हैं। लगता है अब मुझे भी मर जाना चाहिए। टाइनी मरने के लिए ट्रेन की पटरी के पास जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है, कालू कौवा देख लेता है और तुरंत उसे बचा लेता है। मुझे मर जाने दो, छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? तो मैं क्या करूं? इस दुनिया में मेरे पति के सिवाय मेरा कोई नहीं था, लेकिन एक दुर्घटना में वो भी मर गए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? होश में आओ चिड़िया, तुम अपनी जान नहीं दे सकती, ये पाप है। तुम खुद के लिए जियो और अपने साथ रहो। तुम्हारा पति मर गया तो तुम भी मर जाओगी। अगर ऐसे ही पूरी दुनिया सोचने लगी तो रोज कितने लोग मर जाएंगे। लेकिन जीने के लिए पैसे चाहिए, वो भी नहीं है मेरे पास। मैं चुड़िया बेचता हूँ, तुम मेरे पास से चुड़िया लेके बेचना, इससे तुम पैसे कमा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया और जीने की राह दिखाई। टाइनी चिड़िया चुड़िया बेचने लगती है। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारी चुड़िया तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो अब से सिर्फ तुम्हारी ही चुड़िया खरीदूंगी। उसकी चुड़िया सबको बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे वो बहुत पैसे कमाने लगती है। थोड़े समय में वो जॉन को काम पे रखती है। अब जॉन टाइनी चिड़िया की चूड़िया बेचने जाता है। जॉन बहुत ही मेहनती होता है, वो रात दिन काम करता था। एक दिन जॉन बहुत थक गया था। जॉन तुम अभी जाओ और ये चूड़िया तमी चिड़िया को दे के आओ। लेकिन बहन, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल दे आऊंगा। लेकिन कल उसकी बेटी की शादी है और उसे ये चूड़िया आज ही चाहिए। ठीक है बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ। जॉन चूड़िया दे के वापस आ रहा था, तभी थकान के कारण वो गिर जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। मुझे माफ करना जॉन, ये सब मेरे कारण हुआ है। अरे नहीं बहन, आप ऐसा मत कहिए। तुम कितना थक गए थे फिर भी मैंने तुम्हें भेजा। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, तब आपने मुझे काम पे रखा। मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा भी कोई नहीं है? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। फिर वो भाई बहन खुशी खुशी रहते हैं। एक गांव में रॉबिन चिड़िया रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही आलसी थी और वो अपने पति रॉबिन चिड़िया का बिल्कुल काम नहीं करती थी। अजी सुनती हो, मेरे लिए खाना लगाओ। आप अपना खाना खुद बनाओ और खा लो, मैंने तो बाहर से समोसा मंगवा के खा लिया है। तुम किसी काम की नहीं हो, कम से कम खाना तो बना लिया करो। सुन, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, तुझे खाना है तो बाहर जाके कुछ खा ले, लेकिन मुझे सोने दे। टमी चिड़िया ने उसके पति रॉबिन की बहुत बेइज्जती कर दी थी, इसलिए वो गुस्से में एक जगह जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ एक और चिड़िया आती है। अब क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं, वो मुझे थोड़ी भूख लगी है। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? माफ करना, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ। क्या, चलो हम दोनों कुछ खा के आते हैं। रॉबिन और टाइनी बाहर खाना खाते हैं। तुम क्यों 2 दिनों से भूखी हो? मेरे मम्मी पापा 2 दिन पहले मर गए, इसलिए घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। क्या तुम मेरे घर का काम करोगी? हाँ क्यों नहीं। रॉबिन टाइनी चिड़िया को अपने घर लेके आता है। बहुत देर हो गई इनको, आज मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, वो जरूर मुझसे नाराज हो गए होंगे। आप ये किसको ले आए? ये टाइनी है, आज से ये हमारे घर का काम करेगी और खाना भी बनाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब हमारा झगड़ा भी नहीं होगा। कुछ दिन बाद रॉबिन थक कर घर आता है। तमी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर दबा दो। मैं अभी थक गई हूँ, मैं आपके पैर फिर कभी दबा दूंगी। टाइनी ये सब सुन लेती है और रॉबिन के पास जाके उसके पैर दबाने लगती है। अरे टाइनी, तुम रहने दो। दबाने दीजिए ना, आप कितना काम करते हैं। लेकिन तुम मेरे लिए पराई चिड़िया हो
और ये मुझे शोभा नहीं देता। लेकिन मैं आपको अपना मानती हूँ। क्या ये तुम क्या कह रही हो टाइनी? मन ही मन में आपको बहुत चाहने लगी हूँ। आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हो। मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन तुम कितनी खूबसूरत हो और मैं बदसूरत। नहीं नहीं, असली खूबसूरती तो अंदर होती है। रोबिन और टाइनी पूरी रात बात करते हैं। रोबिन आप कहाँ हो? मुझे तुम्हें बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तमी बोलो। तू फिर से मेरे लिए मैगी लाना भूल गया? पहले तो तुम मेरे साथ इज्जत से बात करो, वरना क्या कर लोगे तुम? तुम भूल रही हो, ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। टाइनी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी हाँ बिल्कुल। फिर रोबिन और टाइनी चिड़िया शादी कर लेते हैं।